तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारिक तनवीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट लेकर हाजिर हूं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा और सबको एक ना एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो कि आपके कोई चैनल पे अगर बाय द वे कोई भी टाइप का कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक या फिर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ गया हो, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं, या फिर उससे अगर बाय द वे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो भी चुका है तो उससे मोनेटाइजेशन के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस चीज़ से आज हम लोग डील करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यार, अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है और अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिल चुका है, तो यार प्लीज़ रिव्यू पे बिल्कुल मत डालना, कॉज रिव्यू पे डालने से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिनिमम 3 मंथ तक का रहता है। और अगर 3 मंथ में आपने अगर अपने चैनल को रिव्यू पे डाल दिया, तो स्ट्राइक के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट आपका चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा और वो सेकंड रिव्यू पे चल जाएगा। और जैसे ही वो सेकंड रिव्यू पे गया, तब भी आपका कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक तो प्रेजेंट है ही, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा आपका यूट्यूब चैनल को, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से आपको अप्लाई करना होगा मोनेटाइजेशन के ऊपर। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे, जो कि बहुत गलत है, दैट आपका परमानेंटली वो टर्मिनेट कर देगा चैनल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर सकते हो अपने सेम चैनल पे, लेकिन हाँ, 1 साल तक आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो यार वो सब बिल्कुल मत करना। अगर बाय द वे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक है, तो यार होल्ड कर लेना, अपील करना। अगर हटा देगा YouTube स्ट्राइक तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हटाया तो यार होल्ड करना, 3 मंथ के बाद ही आप डालना रिव्यू पे अपने चैनल को। और अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक में भी आपको इश्यू होगा, सेम चीज़ आपको करना होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर है आपका चैनल पे, तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता रिव्यू में, फर्स्ट रिव्यू पे ही, या फर्स्ट रिव्यू पे नहीं हुआ तो सेकंड रिव्यू पे 100% हो जाएगा। तो कॉपीराइट स्ट्राइक पे उतना ज़्यादा ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कम्युनिटी गाइडलाइन है तो यार प्लीज़ संभल के रहना। दूसरा चीज़ कि अगर आपका चैनल में मोनेटाइजेशन पहले से ऑन हो चुका है, तब फिर क्या होगा। अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन है, तो 2 चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ कि आपको अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिल गया या कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल गया, तो आपके चैनल पे ऐड ही आने बंद हो जाएंगे 3 मंथ के लिए, जितना मंथ के लिए आपको स्ट्राइक मिला है। या फिर अगर ऐड आ भी रहा है, तो उसका पैसा जो कि YouTube 55% आपको देता है और 45% खुद रखता है, उसके बजाय वो क्या करेगा स्ट्राइक के टाइम पे, अगर आपके चैनल पे कोई ऐड आ जाता है तो वो पूरा का पूरा 100% YouTube ही रख लेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये रहा लॉस आपका। तो यार प्लीज़ स्ट्राइक से एकदम बच के रहना। स्ट्राइक से बचने का भी बहुत ज़्यादा तरीका है। आप डिस्क्लेमर में अपना डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डाल सकते हो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी अपना डिस्क्लेमर डाल सकते हो, बहुत सारा तरीका है। अगर आपको इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो यार प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं 100% जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यार, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर न्यू आ गए यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। कोई भी सलाह सुझाव होते हो यार, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और मौज उड़ाओ।